और 9 दिवसीय पदयात्रा का जो संकल्प बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक का मान लिया था, गुरुदेवों की कृपा से, संतों की कृपा से, समस्त भारत के हिंदुओं के आशीर्वाद से, हिंदुओं की एकता के लिए, जात पात भेदभाव छुआछूत ऊंच नीच मुक्त भारत बनाने के लिए, जो घृणा से की हे की दृष्टि से लोगों को देखते थे, हमने संकल्प लिया था कि हर हाल में पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगाकर भारत के हिंदुओं का डर भय खत्म करके एकता का परिचय देंगे, ताकि पूरी पूरा विश्व ये देख पाए कि हम हिंदू ही एक हैं। उस पदयात्रा में खट्टे मीठे बहुत से अनुभव हुए, अच्छे अनुभव हुए, हर समाज के लोग मिले, जगह जगह स्वागत हुआ, जगह जगह लोगों में उत्साह था। ओरछा में तो यूं लग रहा था जैसे अयोध्या प्रवेश हुआ। ओरछा वालों का प्रेम, गांव गांव के लोगों का प्रेम, बूढ़ी माताओं का आशीष, हर वर्ग समाज के लोगों का उत्साह, नेता हो, अभिनेता हो, समाज सेवी हो, संगठन वाले लोग हो, साधु हो, पुजारी हो, अथवा गांव के सबसे निम्न वर्ग जिनको माना जाता था, वो सभी एक साथ चले। सामाजिक समरसता के भोज हुए, विभिन्न लोग आए। बड़ी खुशी ये हुई, जो हमेशा बड़े बड़े मंचों पर बैठने के आदि थे, उन सब ने एक उदारता दिखाकर हमारे साथ जमीन पर रोड पर बैठकर उन बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाया, जिससे पूरे देश में हिंदू एकता का एक नया संदेशा गया। आज 29 तारीख को विराम पर सब संत पूज्य गुरुदेव विराजमान हैं। हमने संकल्प लिया, यहाँ से हम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। कथा भले ही थोड़ा कम करेंगे, दरबार और धाम की सेवा थोड़ा कम करेंगे। इस देश की सबसे बड़ी बीमारी जात पात भेदभाव छुआछूत के नाम पर जो राजनीतिक कुटियाँ सेंकी जाती, हिंदुओं को लड़वाया जाता, हिंदुओं को कमजोर किया जाता, हिंदू बहन बेटियों पर अत्याचार किया जाता, अस्मिता उनकी इज्जत को लूटा जाता, उसके लिए अब हम सड़कों पर उतरे रहेंगे। जब तक देश एक नहीं होगा, जब तक हिंदू एक नहीं होगा, जब तक भगवा ध्वज लहराएगा नहीं, जब तक हिंदू जागेगा नहीं पूर्ण रूप से, जब तक हिंदुओं के खून में कट्टर हिंदुत्व का उबाल नहीं होगा, तब तक हम इस देश के लिए आज से अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। एक एक करके प्रश्न, अगली यात्रा दिल्ली से, वो वृंदावन से दिल्ली तक की होगी 2025। नौ दिनों में ये कह सकते हैं कि लोग हिंदू अपने महत्व को जानने लगा। थोड़ा डर बहुत था, वो घर से बाहर निकला, थोड़ा भय भी था, वो घर से बाहर निकला, थोड़ी उसने उदारता दिखाई, वो एक होने के लिए बात करने लगा। अभी बात कर रहा, कल मुलाकात करेगा, फिर साथ करेगा, फिर एक देश पे ये भारत एक नया इतिहास। आपकी यात्रा के बाद अब कुछ यात्री ये भी मांग कर रहे हैं, इस यात्रा के बाद कुछ यात्री ये भी मांग कर रहे हैं कि इसी तरीके की एक यात्रा बांग्लादेश में भी हिंदुओं को निकालनी चाहिए। हमको अगर वहाँ की सरकार परमिशन दे तो हम बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरब, इराक, इंडोनेशिया, सुरीनाम, फिजी, मॉरिशस, भूटान, नेपाल, अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, सब में निकालने की क्षमता है गुरु कृपा से। संबल में हरिहर है, ASI सर्वे पुस्तकों में दो, कोर्ट को निर्णय देने दो, जैसे ही निर्णय आएगा हम प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे, आपको संदेशा भिजवाएंगे, तो आप आके रिकॉर्ड करेंगे। माहौल और परिस्थितियों के हिसाब से रोक लगाई जाती है, घटना ना हो गए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
जल्दी जाना भी है क्रांति की जरूरत है, माइक किसी का एकता की जरूरत है। आपको संयोज भारत 24 GR पब्लिक आस्था टीम और IBC 24 इंडिया टीवी विक्की हेल्थ 24/7 न्यूज जो जो चैनल है आप लोग जो साथ रहे, हमारा आप लोगों से बहुत आत्मीय लगाव हो गया है। रोज उठ कर के आपका चेहरा देखने का और मुस्कुराते हुए तीखे तीखे सवाल सुनने का और आज क्या नया चटका ला रहे हैं ये सुनने का हमारा स्वभाव हो गया है। हम आपको अगली पदयात्रा में फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।